हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी ऑल राइट. ओके क्लास, टुडे आई टीच हिंदी लिटरेचर एंड हिंदी लैंग्वेज. ओके, बट नाउ आई टीच हिंदी लिटरेचर. पंखुड़ी, क्लास फर्स्ट. ओके, सो स्टार्ट नाउ. टेक आउट योर हिंदी लिटरेचर बुक. टेक आउट योर हिंदी लिटरेचर बुक पंखुड़ी, क्लास फर्स्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. टुडे वी विल डू राइटिंग, बट वी विल डू रीडिंग बिफोर राइटिंग. ओके, सो ओपन योर बुक. Look at that class, open your book, page number 37. Page number 37, chapter 4. Hathi ka badla. Chapter 4, name Hathi ka badla. Okay? Okay, so start reading. महाराजा गुलाब सिंह ने अपने लिए एक बड़ी अच्छी नस्ल का बड़ी अच्छी नस्ल का हाथी मंगवाया. रीड अगेन फर्स्ट लाइन. महाराजा गुलाब सिंह ने अपने लिए एक बड़ी अच्छी नस्ल का हाथी मंगवाया. वह हाथी, थर्ड लाइन क्लास, लुक एट दैट थर्ड लाइन. वह हाथी फोर्थ लाइन, सैर करने का सैर मीन्स घूमना. ओके, सैर करने का बहुत शौकीन था. ओके, क्लास लुक एट दैट फिफ्थ लाइन. उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश मीन्स
हुक्म देना, आदेश मीन्स हुक्म देना, ओके आदेश। नेक्स्ट लाइन, दिया की हाथी को हर रोज नहर के बाहर बहती नदी तक सैर के लिए। नेक्स्ट लाइन, क्लास सैर के लिए ले जाया जाए, ओके क्लास अंडरस्टैंड, सैर के लिए ले जाया जाए, सैर सर्विस घूमना, ओके। लुक एट दिस क्लास, महाराजा के आदेश की पालना मीन्स मानना, पालना शुरू हो गई। हाथी हर रोज सैनिकों के साथ नदी पर जाने लगा। ओके क्लास, रीडिंग द स्टोरी केयरफुली, वी विल आस्क यू द क्वेश्चन लेटर, ओके। वी विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑफ आंसर लेटर, ओके। ओके सो स्टार्ट, जाने लगा रास्ते में एक दर्जी मीन्स कपड़े सिलने वाला, ओके वर्ड मीनिंग, ओके अंडरस्टैंड। दर्जी मीन्स कपड़े सिलने वाला, ओके दर्जी की दुकान थी। वह हर रोज हाथी को कुछ ना कुछ खाने के लिए देने लगा। हाथी की उस दर्जी से मित्रता मीन्स दोस्ती, फ्रेंडशिप, ओके उस दर्जी से मित्रता हो गई मीन्स दोस्ती हो गई, ओके। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार
प्रकार प्रकार मीन्स तरह, प्रकार मीन्स तरह। इस प्रकार हाथी रोज, रोज मीन्स डेली, ओके। इस प्रकार हाथी रोज नदी पर, रोज नदी पर जाते समय, जाते समय उस दुकान, उस दर्जी की दुकान पर रुकने लगा, दुकान पर रुकने लगा। एक दिन दर्जी अपनी दुकान पर, किसी से झगड़कर बैठा हुआ था। एक दिन दर्जी अपनी दुकान पर किसी से झगड़कर बैठा हुआ था। कुछ समय बाद हाथी भी वहां आ गया, ओके क्लास, ओपन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38, लुक एट दैट क्लास, पेज नंबर 38, फर्स्ट लाइन, दर्जी ने अपना गुस्सा हाथी पर निकाल दिया। नेक्स्ट लाइन, हाथी ने जब कुछ खाने के लिए अपनी सूंड दर्जी की तरफ बढ़ाई, तो दर्जी ने हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। क्लास, नेक्स्ट लाइन, हाथी वहां से चुपचाप मीन्स बिना कुछ बोले, ओके। हाथी वहां से चुपचाप चला गया। नदी के रास्ते में गंदे पानी का एक नाला था। क्लास, अगले दिन हाथी ने उसमें से कुछ गंदा पानी अपनी सूंड में भरा और दर्जी की दुकान पर फेंक दिया। ओके क्लास, दर्जी की दुकान पर फेंक दिया।
नेक्स्ट लाइन, दर्जी की दुकान पर रखे हुए सारे कपड़े खराब हो गए। हाथी ने अपना बदला ले लिया। हाथी ने अपना बदला ले लिया। ओके क्लास, नाउ शिक्षा, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। शिक्षा कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ओके नाउ ओके क्लास, ओपन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39, एंड आई आस्क यू सम क्वेश्चन एंड यू विल आंसर। ओके एंड यू विल आंसर। ओके ओपन योर पेज नंबर 39। लुक एट दैट क्लास, फर्स्ट लाइन, नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। ओके का क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न मीन्स क्वेश्चन। ओके उत्तर मीन्स आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 1, हाथी को क्या शौक था? गिव मी आंसर, हाथी को क्या शौक था? यस, हाथी को सैर करने का शौक था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दर्जी की दुकान कहाँ थी? गिव मी आंसर, यस, दर्जी की दुकान, आंसर नंबर 2, दर्जी की दुकान रास्ते में थी। ओके क्वेश्चन नंबर 3, दर्जी ने हाथी के साथ क्या किया? दर्जी ने हाथी के साथ क्या किया? आंसर यस, दर्जी ने हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। वेरी गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गंदा पानी फेंकने से दर्जी की दुकान के कपड़ों का क्या हुआ? यू मी आंसर, यस, वेरी गुड, गंदा पानी, आंसर नंबर 4, गंदा पानी फेंकने से दर्जी की दुकान के सारे कपड़े खराब हो गए। ओके क्लास, अंडरस्टैंड? ओके सो क्लास, रीडिंग इज कंप्लीट, सो नाउ यू विल स्टार्ट राइटिंग। ओके सो टेक आउट योर नोटबुक, हिंदी लिटरेचर। ओके लुक एट दैट क्लास, वन पेज राइटिंग, सुलेख मीन्स राइटिंग। ओके टूडेज क्लास वर सुलेख, वन पेज सुलेख मीन्स राइटिंग। ओके सो हिंदी लिटरेचर, लेफ्ट साइड राइट डेट एंड राइट साइड राइट क्लास वर्क। ओके क्लास, लेफ्ट साइड राइट डेट, डी ए टी ई डेट, एंड राइट साइड राइट क्लास वर्क, सी एल ए डबल एस क्लास, डब्ल्यू ओ आर क्यू वर्क, क्लास वर्क। ओके हेडिंग सुलेख, एंड सेकेंड हेडिंग लेसन नेम, हाथी का बदला एंड कहानी। ओके की क्लास, ओके सो स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट लाइन, महाराजा गुलाब सिंह ने अपने लिए एक बड़ी अच्छी नस्ल का हाथी मंगवाया। वह हाथी सैर करने का बहुत शौकीन था।
बहुत शौकीन था क्लास। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश मीन्स हुक्म देना, अंडरस्टैंड, आदेश मीन्स हुक्म देना, आदेश दिया कि हाथी को हर रोज नहर के बाहर बहती नदी तक शहर के लिए ले जाया जाए। ओके, लुक एट दैट। नेक्स्ट लाइन, महाराजा के आदेश की पालना मीन्स मानना, आदेश मीन्स हुक्म देना, महाराजा के आदेश की पालना शुरू हो गई, शुरू, स्टार्ट एंड आरंभ। ओके, हाथी हर रोज दो सैनिकों के साथ नदी पर की क्लास, स्क्रीनशॉट लीजिए एंड वर्क कंप्लीट करिए। राइट विथ क्लीन राइटिंग एंड राइट द प्रॉपर वर्क। ओके क्लास, ओके, ओपन योर नेक्स्ट पेज, लुक एट दैट क्लास। नदी पर जाने लगा रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। ओके, सो इनफ, दर्जी की दुकान थी। ओके, क्लीन राइटिंग पे वर्क कंप्लीट करिएगा। ओके, नाउ राइट योर होमवर्क। ओके, टुडेज होमवर्क, हिंदी लिटरेचर, वन पेज इमला लिखो। इमला मैम ने जो सुलेख कराया है, सुलेख मीन्स राइटिंग। ओके, किसी से घर में कहिएगा, वो आपको बोलेंगे और आप अपना वर्क कंप्लीट करिएगा। ओके, इमला मीन्स बोल कर लिखना। ओके क्लास, ओपन योर नेक्स्ट पेज एंड राइट होमवर्क, लेफ्ट साइड राइट डेट एंड राइट साइड राइट क्लास वर्क, लेफ्ट साइड राइट डेट DATE डेट एंड राइट साइड राइट क्लास वर्क, नो सॉरी होमवर्क, HOME होम, WOR के वर्क, होमवर्क। ओके, नाउ हेडिंग, वन पेज इमला लिखो, इमला मीन्स बोल कर लिखना। ओके, अंडरस्टैंड, वन पेज इमला लिखो। ओके, हिंदी लिटरेचर वर्क इज कंप्लीट, नाउ स्टार्ट योर हिंदी लैंग्वेज। ओके, सो टेक आउट योर हिंदी लैंग्वेज नोटबुक, क्लास टेक आउट योर हिंदी लैंग्वेज नोटबुक एंड स्टार्ट राइट क्लास वर्क एंड होमवर्क, लुक एट दैट क्लास, हिंदी लैंग्वेज। ओके, नॉट हिंदी लिटरेचर, लुक एट दैट, टूडेज हिंदी लैंग्वेज क्लास वर्क, बड़े उ की मात्रा वाले 10 शब्द लिखो। ओके, लेफ्ट साइड राइट डेट एंड राइट साइड राइट क्लास वर्क, लेफ्ट साइड राइट डेट DATE डेट एंड राइट साइड राइट क्लास वर्क, CLASS क्लास, WOR के वर्क, क्लास वर्क। ओके क्लास, ओके, नाउ राइट हेडिंग, बड़े उ की मात्रा वाले 10 शब्द लिखो, बड़े उ की मात्रा वाले 10 शब्द लिखो। ओके, 1 to 10 नंबर,
राइट नंबर 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and last 10. Okay, class? Okay. Now reading. Number 1, Suraj. Number 2, Kabutar. Number 3, Dhoop. Number 4, Raju. Number 5, Kaju. Kaju is dry fruits, okay? And Raju, name. Number 6, Alu, vegetable. Number 7, Bhalu, animal. Number 8, Chalu, start. And number 9, Juta, shoes. And last number 10, Mooli. Okay, class, write your classwork, Hindi language. Okay. Okay, class, so I think your work is complete. Your class work is complete. Okay, now you will be write homework. So open your next page and write homework Hindi language. Okay, class, open your next page and write homework Hindi language. Look at that, class, Hindi language. Today's homework is shabdon se vak banao. Okay, so left side write date and right side write homework. Left side write date, 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 and right side write homework, home, work, homework. Okay, now heading, shabdon se vak banao. Mam ne 5 shabd diye hue, आपको इन शब्दों का यूज करके वाक बनाने. ओके, सो राइट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 5. नंबर 1, तरबूज. नंबर 2, सूरज. नंबर 3, काजू. नंबर 4, जूता. नंबर 5, सहतूत. ओके, नंबर 1, तरबूज खा. नंबर 2, सूरज निकला. नंबर 3, काजू ला. नंबर 4, जूता पहन. एंड लास्ट नंबर 5, सहतूत ला. ओके, राइट योर होमवर्क. ओके क्लास, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, go to the washroom and wash your hand. Okay, bye class, take care of yourself.